ॐ श्री विद्याय नमः। ॐ श्री विद्याय नमः। मित्रों, धन से जुड़ी हुई समस्या किसके साथ में नहीं है, और कौन धन को एकत्र नहीं करना चाहता या कौन धन की वृद्धि नहीं करना चाहता। ऐसे में बाह्य क्रियाकलापों के साथ साथ में जो ग्रहण काल होता है, ग्रहण काल में आप श्री को बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, और यहाँ तक कि इतनी अपार संपदा आपको प्राप्त हो कि आप करोड़पति बन जाएं, उसके लिए ग्रहण काल में विशेष रूप से श्री यंत्र को प्रतिष्ठित करने की कुछ साधना होती है, जिसको बहुत ही आसान विधि से मैं अपनी इस वीडियो में आपको आज बताने वाला हूँ, जिसको यदि आप बहुत आसान तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो ये यंत्र भी सिद्ध होगा और आपके लगभग समस्त कार्य को वैसे ही सिद्ध कर देगा, जो धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त कर देगा यह यंत्र। शर्त केवल ग्रहण काल में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रख करके आपको इस कार्य को करने की है। तो इस वर्ष 2022 में 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण काल आप गूगल पर या मेरी किसी वीडियो के क्लिप में भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, पूर्ण वीडियो, पूरी वीडियो, किस समय ग्रहण लगेगा, कब तक रहेगा और कब समाप्त होगा, वह सारी जानकारी मैं अपने वीडियो में डाल लूँगा, इस लिंक के अंदर मैं उसको डाल दूँगा। तो उस काल में आपको ये कार्य करना है। इसके लिए आपको ये जो साधना है मुख्य रूप से व्यापार वृद्धि साधना है, या नौकरी पेशा लोगों के लिए ये साधना है जो धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं फिलहाल के समय में। तो विशेष रूप से इस साधना को करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं, पहले वह जान लेते हैं। सबसे पहले आपको श्री यंत्र के छोटे साइज का एक ऐसा फोटो चाहिए, जिसको आप अपनी जेब में या पर्स के अंदर रख सकते हैं आसानी से, या बैग में रख सकते हैं, जिसको आप व्यापार में, जॉब में, नौकरी में, जो भी आपका कार्य है वहाँ पे आपका जो एक जो नौकरी वाले के पास में उसका पर्स होता है, और व्यापार वाले के ये उसका एक अलग से धन रखने के लिए एक अलमारी या धन रखने के लिए गल्ला होता है, जहाँ पर आप उस यंत्र को रख सकें। सबसे पहले आपको श्री यंत्र के छोटे साइज का एक फोटो चाहिए। दूसरा आपको चाहिए केसर। अब आपको बता दें कि आपको किस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है, ओम श्रीम ओम। इस श्री मंत्र में ओम का संपुट लगा हुआ है और बहुत ही इसको प्रभावशाली ये श्री मंत्र को बना देता है। अब आपको क्या करना है कि लाल कपड़े में अपने सामने श्री यंत्र एक थाली में रख लेना है। ग्रहण काल के समय मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखते हुए वो सामग्री आप पहले ही एकत्र कर लें। आपको सबसे पहले करना है कि लाल कपड़े में अपने सामने श्री यंत्र एक थाली में रख लें, केसर को पानी में धो लें। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि केसर को आप पानी में घोल लें, धो करके उसको घोल के आप रख लें किसी पानी में। तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि जो मैंने मंत्र बताया ओम श्रीम ओम, इस मंत्र का एक जाप करें, एक माला कम से कम जाप करें, और एक केसर की बिंदी श्री यंत्र पर लगाएं। और जो केसर आपने जल में घोला है इसका एक बार जाप करें, एक बार ही जाप करना है, एक माला भी कर सकते हैं, परंतु ग्रहण काल की अवधि को ज़्यादा देर तक नहीं होती, तो आप एक बार इस मंत्र का जाप करते हुए उसका ओम श्री ओम बोल करके एक केसर की बिंदी आपको श्री यंत्र के ऊपर लगानी है। अब आपको क्या करना है कि इस मंत्र का 1008 बार जप करना है ग्रहण काल के बीच में। ग्रहण काल समाप्त ना हो, ग्रहण काल शुरू होने से पहले नहीं, जब ग्रहण काल चल रहा हो उसी के दौरान आपको इस मंत्र का 1008 बार जप करना है।
ग्रहण, आप इस मंत्र का जाप बहुत ही कम समय में पूरे कर सकते, मंत्र बहुत छोटा है। चौथा स्टेप आपको क्या करना है, उसके बाद उस यंत्र को जब ग्रहण काल पूर्ण हो जाए उस यंत्र को अपने पर्स या बैग में रख लेना। और यदि आपको इस मंत्र का, क्योंकि ग्रहण में जब आप इस मंत्र को जाप करोगे तो ये मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाएगा, यदि आप अधिक लाभ चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो या अपनी विविध मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हो, जीवन के अंदर ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो पूर्ण लक्ष्मी को स्थिर अपने पास में करने के लिए अधिक से अधिक आप इस मंत्र का मानसिक जप करते रहो ग्रहण काल के दौरान, यानी कि जब तक ग्रहण काल चलेगा तब से लेकर लास्ट तक 1008 की संख्या में नहीं बल्कि पूरे ग्रहण काल में आप ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, इस प्रकार से आप इस मंत्र का जप करते रहो। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली है इस मंत्र का कि आपकी विविध मनोकामनाओं को ये मंत्र पूर्ण करा देगा। तो मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुख्य रूप से जो धन से जुड़ी हुई समस्या है इस प्रयोग से अवश्य ही आपकी वो समाप्त हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से श्री संपन्न हो जाएंगे। इसी कामना के साथ मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपकी साधना सफल हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी इसको लाइक शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस प्रकार की और वीडियोज़ मैं आपको और इस चैनल पर डाल करके आपको भेंट कराता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ। ओम श्री विद्याय नमः।